हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मेरा लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था वाई नेटवर्क मार्केटिंग आपको पसंद आया होगा। और उम्मीद क्या, मेरे सामने रिजल्ट्स हैं, आप लोगों के सैकड़ों मैसेजेस मेरे पास आए, ईमेल्स आए। सो फ्रेंड्स, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं और इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिले। आइए आज हम बात करते हैं वाई नेटवर्क मार्केटिंग के पॉइंट नंबर टू पर। और पॉइंट नंबर टू ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग, पहले हमने बात की थी अनएम्प्लॉयमेंट रोकने के लिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट रोकने के लिए, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाए। उसका सबसे बड़ा एक रीजन जो मुझे समझ में आता है वो ये है, एक आम इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डालने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग की जाए। हमने बचपन से पढ़ाई की, हमने स्कूल किया, कॉलेज किया, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन ये जो सब्जेक्ट हमारी जिंदगी में काम आने वाले थे, पॉजिटिव एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीजें तो किसी ने सिखाई ही नहीं। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सकती हैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को ना सिर्फ पैसा कमाना सिखाती है बल्कि एक अच्छा इंसान बनना सिखाती है। ये वो इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को सिखाती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। दोस्तों, हमारी पूरी जिंदगी कम्युनिकेशन स्किल पर ही तो डिपेंड करती है। हम कितने अच्छे से आपस में बात कर लेते हैं, हम अपने परिवार में कितने अच्छे से बात करते हैं, हम अपने दोस्तों से कितने अच्छे से बात करते हैं, हम किसी अनजान आदमी से कितने अच्छे से बात कर पाते हैं, यही तो है कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल, आप लाइफ में कहीं भी जाएंगे आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, और यह सीखने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कम्युनिकेशन स्किल ना सिर्फ थ्योरिटिकली सिखाया जाता है बल्कि प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं कहीं पर पब्लिक स्पीकिंग की, लेट्स से पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा था, अब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं। दिल्ली में बहुत जगह क्लासेस होती हैं पब्लिक स्पीकिंग की, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकली सिखा पाएंगे? शायद नहीं। वहां थ्योरिटिकल सीखना को मिलेगा, लेकिन यहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। आपको खड़ा किया जाता है चार लोगों के बीच में, दस लोगों के बीच में, पंद्रह लोगों के, धीरे धीरे हजारों लोगों के बीच में खड़े होकर आपको बोलना होता है, आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, आपको आपके प्लान के बारे में बताना होता है। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम सभी लोगों को एक आम आदमी से एक लीडर बना देता है। नेटवर्क मार्केटिंग करने के सबसे बड़े फायदों में से एक है लीडरशिप क्वालिटीज को गेन करना, सबसे बड़े फायदों में से एक है कम्युनिकेशन और स्टेज स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग सीखना। क्योंकि दोस्तों, अभी एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में पता चला कि दुनिया में सवाल यह पूछा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। तो कुछ लोगों ने बोला आग से डर लगता है, कुछ लोगों ने बोला पानी से डर लगता है, कुछ लोगों ने बोला मरने से डर लगता है। लेकिन दोस्तों, सर्वे का रिजल्ट यह था, सबसे ज्यादा लोगों ने यह बताया कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। यानी कि पब्लिक स्पीकिंग दुनिया का सबसे बड़ा डर बन चुका है और ऑलरेडी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके इस डर को पूरे तरीके से खत्म कर देता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भर देता है दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर देता है। और उसके साथ साथ जब ये चीजें आपके साथ जुड़ जाती हैं, जब आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा, जब आपकी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव हो जाएगी, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप जहां भी होंगे You will be a winner. आप नेटवर्क मार्केटिंग करने के साथ साथ अगर जॉब भी कर रहे हैं, आपने ये सब चीजें सीख ली, this is 100% sure कि जॉब में भी आपको प्रमोशन मिलेगी। क्योंकि आपको जो चीजें सीखने को मिल रही हैं, वो किसी और एम्प्लॉय को नहीं मिलती हैं, वो किसी आम आदमी को नहीं मिलती हैं। ऐसे स्कूल कॉलेजेस अभी इंडिया में नहीं है जो प्रैक्टिकल लेवल पर यह सारी चीजें सिखाए। सो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको तराश के हीरा बना देता है। सो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है से सभी को एक ना एक बार जरूर जुड़ना चाहिए। पैसा हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखने के लिए आइए नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करें, किसी ना किसी अच्छी जगह पर आप जुड़े, अच्छे लोगों के साथ जुड़े और आप सीखें। क्योंकि दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारत की जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग। और अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे फेसबुक पेज पर आइए। और इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो बनने वाला है दोस्तों, वाई नेटवर्क मार्केटिंग का थर्ड पार्ट, बहुत अच्छे पॉइंट्स मेरे पास हैं, देखना ना भूले, जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच।